हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ लिविंग रूम मेकओवर। तो लिविंग रूम मेकओवर करने के लिए ये जो मेरा लिविंग रूम है, तो ये जो विंडो के पास का जितना भी एरिया है जहाँ पर मेरा सोफ़ा रखा हुआ रहता है, तो मैं कुछ कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर थोड़ी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, ताकि जो डस्ट जमा हो जाती है, डेली हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, चीज़ें हटाकर जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। तो मैं कुछ कुछ समय में ऐसी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो ये मैंने चीज़ों को हटाकर यहाँ पर कर लिया है क्लीन। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने सोफ़ा हटा दिया है और इधर मैं थोड़ा क्लीनिंग कर रही हूँ। जो भी हमारी जगह रहती है, हम लोग अगर वही वही चीज़ें रखते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है, डस्ट भर जाता है, या जगह भी थोड़ी अलग सी फ्रेशनेस नहीं रहता है। तो मैं कुछ कुछ दिनों में चीज़ों को हटाकर या मूव करते हुए, अभी सोफ़ा में मेरी सोफ़े की एक ही जगह है, मैं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर। फ्रंट वॉल पे टीवी रहने की वजह से सोफ़ा यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे अच्छी जगह है सोफ़े के लिए, तो मैं यहीं पे रहने देती हूँ। लेकिन हाँ, हमेशा क्लीन ज़रूर करते रहती हूँ। तो अभी इसे मैंने ऐसे निकाल के रख दिया है, डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, सोफ़े को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, जगह को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर करूँगी मेकओवर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लीनिंग हो जाने के बाद में देखिए, जैसे मेरा पहले सोफ़ा रखा हुआ था, तो उसे मैं फिर से यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो ये थोड़ा हेवी है, तो इसे वापस से लगाने में, हटाने में और लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये लग जाने के बाद में देखिए, यहाँ पर मैं कर्टन लगा दूँगी। तो कर्टन भी मैं हमेशा चेंज करते रहती हूँ, और विंडो को भी मैं लॉन्ग जो डोर के कर्टन्स रहते हैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। ये कर्टन्स लग जाने के बाद में यहाँ पर ये मैंने बहुत दिन हो गए हैं, तो ये जो फ्लोर लैम्प रहता है उसे मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, लेकिन इसे लगाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। हमेशा सोचती थी अभी लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, लेकिन इसे इस नहीं निकल रहा था। फाइनली मैंने इसका टाइम, इसके लिए टाइम निकाला और सोचा कि जब मैं ये मेकओवर करने ही जा रही हूँ तो इसे भी लगा दूँ। तो इसे असेंबल करना बहुत ही आसान है। ये ऐसे तीन पार्ट्स में आता है और इसी के साथ में छोटे बोल्ट, नट बोल्ट्स आते हैं, उससे हमें इसे कस लेना पड़ता है। बहुत आसान है इसे असेंबल करना। फ्लोर लैम्प असेंबल हो जाने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सोफ़े के कवर लगा रही हूँ। तो सोफ़े का कवर लगाने के लिए मैं हमेशा आपको, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि सोफ़े के कवर के लिए हमेशा मैं सोफ़े के कवर का यूज़ नहीं करती हूँ, डिफरेंट टाइप में हमेशा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े का जो एज ए कवर मैंने बेडशीट, डबल बेडशीट है जो मेरे पास में, उसका यूज़ किया है, और दो चेयर पर कुशन कवर्स लगा दिए हैं। तो ये हो जाने के बाद में जो फ्लोर लैम्प को मैंने असेंबल किया है, दोनों ही फ्लोर लैम्प्स को मैंने रख दिया है सोफ़े के साइड में। और जो ये मेरा DIY है, जो बेडरूम मेकओवर के टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, इसे भी यहाँ पर लगा देंगे। जो मैंने लिविंग रूम का मेकओवर किया था उसके लिए भी मैंने कुछ DIY बनाए थे, इन्हें भी यहाँ पर लगा दूंगी। इस ये जो DIY है इन्हें लगा दूंगी डोर के साइड में। जो मिडिल डोर है ना, जो लिविंग रूम से बेडरूम में जाने वाला जो डोर है, उनके आजू बाजू में मैंने इन्हें लगा दिया है डोर के साइड में। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी बारी आती है कारपेट, तो कारपेट के बिना लिविंग रूम मेकओवर बिल्कुल अधूरा है। तो कारपेट लग जाने के बाद में रख देंगे अपना ये सेंटर टेबल, और सेंटर टेबल को भी मैं कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा जो दुपट्टा है उसे ही मैंने ऐसे मल्टीपर्पज़ यूज़ के हिसाब से मैंने उसे DIY के
कुछ टैसल्स लगाकर डेकोरेट कर लिया है और मल्टीपर्पज़ यूज में मैं उसे लाते रहती हूँ। अभी बारी आती है एलईडी के साइड का जो ये एरिया, इसे डेकोरेट करने की। तो बहुत खाली खाली सा लग रहा था, और ये कुछ दिन पहले मैंने ग्रास मैट जो लिया था मेरे पास में ऐसे ही रखा था। लाया तो किसी और कारण से था, लेकिन अभी ये ऐसे ही रखा है तो मैंने इसे यूज में ले लिया है। और ये जो फिश एक्वेरियम है, फिश टैंक है, उसके ऊपर मैंने इन्हें लगा दिया है। और जो साइड के स्पीकर है, टावर स्पीकर, इसे भी रख दिया। जो ये ग्रास मैट का छोटा सा पीस बचा था, उसे भी यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और इस पे बाकी की चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी हैं। बस थोड़े से ही चेंजेस किए हैं मैंने, और स्पेशली मैंने ये जो सेटअप किया है वो फ्लोर लैम्प की वजह से मैंने इस बार मेकओवर करने की कोशिश की। फ्लोर लैम्प है उसे मद्देनज़र रखते हुए स्पेशली उसके लिए मैंने ये लिविंग रूम का सेटअप किया है। पहले तो मैंने एक जो फ्लोर लैम्प है उसे ऑर्डर किया था, और फिर कुछ टाइम के बाद में जैसे मेरे पास में पैसे बचत हो जाते हैं तो मैं दूसरी चीज़, आपको मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं एकदम से सारी चीज़ें परचेस नहीं करती हूँ। थोड़े थोड़े पैसों से थोड़ा थोड़ा मैनेज करके फिर मैं जो मेरे पास में बचत हो जाती है उसी से मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ। तो पहले एक मैंने फ्लोर लैम्प मंगाया था, तो फिर दूसरे के लिए मेरे पास में पैसे बचत हो गए। उसके बाद में मैंने सेकंड ऑर्डर किया, तो सेकंड थोड़ा मेरा लाइट शेड में आया है, लेकिन ठीक है, उसे भी मैं मैनेज कर लूँगी। ऐसे कोई कलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये थोड़े से चेंजेस के साथ में हो गया है मेरा लिविंग रूम मेकओवर। और मैंने इस बार बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश लुक देने की कोशिश की है। आप लोगों को कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। तो इस जो टेंशन से भरी ज़िंदगी में अगर हम लोगों को थोड़ा सा टाइम सुकून से मिले तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो घर में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे और घर के साथ में ही आप जब अपने खुद में भी और अपने लाइफ में भी चेंजेस करते रहना बहुत ज़रूरी रहता है, वैसे ही घर में भी अगर आप चेंजेस करते रहेंगे तो उससे भी आपके माइंड को और दिल को एक सुकून मिलता है। चेंजेस करने से बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। तो इस बार मैंने वही सोचा था कि जो डिम लाइट में जो
एक फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है, तो इसीलिए मुझे लिविंग रूम का सेटअप ऐसे करना था। और ये जब मैंने फर्स्ट फ्लोर लैम्प ऑर्डर किया, तब मैंने उसे लगा कर देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए फिर मैं रुकी कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। सेकंड भी ऑर्डर किया मैंने, सेकंड फ्लोर लैम्प भी ऑर्डर किया, और उसे ये दोनों आने के बाद में फिर मैंने ये लिविंग रूम मेकओवर किया है। तो चेंजेस करते रहिए और अपने घर को सजाते रहिए, आपको खुद को भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी और घर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लिविंग रूम मेकओवर। मैंने इस बार DIY शेयर नहीं किया है, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं DIY शेयर करूं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा DIY लाने की कोशिश करूंगी। और ये था आज का मेरा लिविंग रूम मेकओवर। आई होप कि आज का मेकओवर आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आता है तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ में, मेरे साथ में ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।